वैशाली की आदत थी कि वो हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पेड़ पौधों को पानी दे दिया करती थी। सब कुछ हो जाने के बाद ही वो चाय नाश्ता करती थी। लेकिन जब वैशाली को महीना आता था तो वह नहीं करती थी और इस बात को लेकर वैशाली की सास अंबाला अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। क्या बात है वैशाली, आज उठने में बड़ी देर हो गई तुम्हें, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है, पर मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया है जो तबीयत ठीक नहीं है? ओ माँ जी, बस बस, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, महीने से हुई हो, साफ साफ बोलो ना। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, हमेशा ये गलती दोहराती हो तुम, पीरियड के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज़ को हाथ लगाना, मंदिर में भी नहीं जाना और ना ही पूजा करना, तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना, पीरियड के 3 दिन ही बाल धोना और उसके बाद किचन में जाना, ठीक है ना? समझ गई? 3 दिन अलग कमरे में सोना और पीरियड खत्म होने के बाद ही बिस्तर की चादर को धो देना, अचार को भी हाथ ना लगाना क्योंकि इससे अचार सड़ जाता है। पर माँ जी, आप अकेले रसोई में कैसे संभालेंगे? मीना भी गांव गई हुई है, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े, रसोई का खाना पीना कैसे बनाओगी आप? बहुत काम हो जाएगा आपको माँ जी। मैं कर लूँगी, पर तुम घर के सब कामों से दूर रहना, बस जितना कह रही हूँ उतना सुनो। अंबाला का स्वभाव ऐसा ही था, वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसलिए वो पीएट्स को घिनौने नजरिए से देखती थी। 3 दिन तक वैशाली हद से ज़्यादा परेशान हो जाती थी। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना खराब हो जाता था कि वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी सास का पीएट्स को लेकर अंधविश्वास। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और कहती है, क्या करूं, आज तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, बार बार बाथरूम जाकर मैं तंग आ गई हूँ, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मन कर रहा है कि एक कप गर्म गर्म चाय मिल जाए तो पेट की सिकाई हो जाए। पर माँ जी, तो मंदिर गई हैं, दर्द सहन नहीं हो रहा है मुझे, मजबूरी में चाय बनानी ही पड़ेगी। वो मजबूरी बस अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने चली जाती है। तभी सास आ जाती है, वो इतनी तेज गुस्से में चिल्लाती है कि भरी हुई चाय की प्याली वैशाली के हाथ से छूट जाती है और वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, मेरी रसोई अपवित्र कर दी तुमने, मैंने कहा था ना महीने से हो रही हो, रसोई के भीतर नहीं जाना। माँ जी, वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, आज दूसरा दिन है तो तबीयत ज़्यादा खराब है, सोचा चाय से थोड़ी राहत मिलेगी, आप थी नहीं तो मैंने सोचा कि मैं ही बना लूं। और अपने पेट को पकड़ के वो वहीं पर खड़ी रही। घबराहट में उसकी तबीयत और बिगड़ गई और वह दौड़ती हुई कमरे की ओर चली गई। अरे कहाँ जा रही है, अब सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा, पता नहीं ये आजकल की बहुएं भी ना अपने समय महीने से होते थे तो हमारी साथ हमें 3 दिन तक कमरे में बंद रखती थी, खाना पीना सब कुछ मिलता था लेकिन वो भी दरवाजे के नीचे से हमारी साथ सरका देती थी, हम लोगों को तो कुछ नहीं होता था, आजकल की बहुएं भी। तभी वैशाली का पति शैलेश आ जाता है, वो कमरे में देखता है कि वैशाली बेहोश पड़ी हुई है। शैलेश जोर जोर से चिल्लाने लगता है, वैशाली आँखें खोलो, वैशाली आँखें खोलो, क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे वैशाली को क्या हुआ, अभी तो ठीक ठाक थी, क्या हो गया? शैलेश, पता नहीं, मैं कमरे में आया तो वैशाली बेहोश की हालत में दिखी, मैंने लेडी डॉक्टर को फ़ोन कर दिया है, वो आती ही होंगी। तभी लेडी डॉक्टर आ जाती है, वो वैशाली का चेकअप करती है और एक इंजेक्शन देती है जिससे वैशाली थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक है ना? घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, कमजोरी और थकान के कारण बेहोश हो गई थी। डॉक्टर साहब, वो मेरा आज सेकेंड है तो। डॉक्टर, ओके वैशाली, तुमने सुबह से क्या खाया है? डॉक्टर जी, मैंने तो सब कुछ खाया है, अभी थोड़ी देर पहले ही माँ ने मुझे दूध और फल दिए थे। ओके वैशाली, गुड, जब इतनी अच्छी सासू माँ है
फिर तो तुम बहुत किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि आज भी पुरानी रीति रिवाज निभाए जाते हैं, बहू को किचन में नहीं जाने देते हैं। बहुत सी पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों रसोई में जाने से मना कर देती हैं। लेडी डॉक्टर जो बातें कह रही थी उसे सुनकर अम्बाला अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थी। वैशाली ने उनके बारे में झूठ क्यों बोला था, जबकि वैशाली को मैंने कोई दूध फल नहीं दिए थे। डॉक्टर साहब, शैलेश जी, एक बार वैशाली जब ठीक हो जाए तो क्लिनिक लेकर आ जाइएगा, मैं वैशाली का हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लूँगी। बाकी वैशाली, तुम अपनी डाइट का ख्याल रखा करो, हरी सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स और बाकी सब तुम्हें खाना है। तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी है, किस्मत वाली हो। वैशाली की सास कहती है, आप चिंता मत करिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। अब डॉक्टर के जाने के बाद अम्बाला वैशाली के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती है। रात तक वैशाली की तबीयत में सुधार आ जाता है। बहू, ये टिंडे का मसाला जैसा तुम बनाती हो वैसा मुझे बनाना नहीं आता, जरा रसोई में तो आना। पर माँ जी, मैं कोई बात नहीं बहू, आ जाओ। जी माँ। हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भूनने रख दिए और बाकी टिंडों में मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। वैशाली झट से अपनी सास के गले लग जाती है और रो पड़ती है। आई लव यू माँ जी, आई लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी। दोनों सास बहू का प्यार देख शैलेश को भी तसल्ली हो जाती है। उस दिन के बाद से अम्बाला ने कभी भी पीएस के दिनों में अपनी बहू से छुआछूत नहीं मानी। अम्बाला जान चुकी थी कि उसकी छुआछूत के कारण आज उसकी बहू की जान भी जा सकती थी। अम्बाला को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वैशाली भी अपनी सास की बदलती सोच को देखकर बहुत खुश हुई। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।